हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूज इंडिया। आई एम जितेन उरानी और जेएस सर। आज के सेशन में हम क्या करने वाले बेटा, नीट सुपर सेवर जो हमारा कोर्स आपका चल रहा है, आई होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, होने वाली हैं, थ्रू आउट द ईयर चलेगा ये जितना आपसे कमिट करा गया बेटा। तो इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऑलरेडी जो मैंने बेसिक्स ऑफ IOC पढ़ाया था बेटा, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी है ना काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, बट स्टिल फिर से बताऊंगा मैं। मैंने आपसे बोला ही था, और इनफैक्ट आप देखें तो आपको शायद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने क्वांटम नंबर वगैरह का, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का, VBD थ्योरी का जो आइडिया लिया है, वो सब आप बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हो। तो यू कैन सी कि कितनी बार हमारा रिविज़न हो रहा है। अगर उसके बाद भी हम इस मौके को नहीं बना पा रहे हैं और इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दैट विल बी मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड, ठीक है जी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा बेटा कि इन चीज़ों को, ये तीसरी बार आप पढ़ने जा रहे हो, अब मैं एक एक चीज़ लिखवाते हुए स्लाइड्स के फॉर्म में आपको लिखवाऊँगा, समझाऊँगा। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज सच आप बोलोगे NCERT बुक में अलग से गिवन है क्या सर? नहीं, क्वांटम नंबर ठीक है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में दी जाती हैं, बट एक्चुअली ज़रूरत इनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा पड़ती है। आखिर फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों दी गई हैं भैया? क्योंकि एक्चुअली क्वांटम नंबर्स आर डायरेक्ट एप्लीकेशन या डिराइव्ड फॉर्म आपका जो है, जो मैंने रफ आइडिया दिया अभी तक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो नाम था उससे बना है। और आप गारंटी मान के चलिए बेटा कि आपको अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हुए आप, ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली गलत ही होंगे ना। एक क्वेश्चन तो पक्का ही घूमते फिरते इसके ऊपर आना है। तो वी शुड बी फैमिलियर विथ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स जो हम ऑलरेडी नाम ले चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ऑफबाउ रूल्स, होन्स रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर उससे है ना, क्योंकि 9th-10th में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पर अलग चीज़ें, ठीक है, क्लोरीन के पास जैसे 17 इलेक्ट्रॉन है, हमसे बोलेगा कि क्लोरीन के 17th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताइए। तो अब हमें नहीं पता होगा, हमें मीनिंग ही नहीं पता है कि कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन में। वो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है बेटा, क्योंकि इतना तो अगर आप डॉक्टर बन के पूरे ज़िंदगी भर कमाना चाहते हो नोट भैया, तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ चीज़ें टफ तो वो भी आपसे पूछेगा भैया, डॉक्टर का साइन ही क्या होता बच्चों, प्लस का तो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं बेटा, है ना, प्लस ही प्लस है सब कुछ, ठीक है जी। तो इसीलिए वो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि क्वांटम नंबर्स होती क्या है। क्वांटम नंबर बेसिकली डिनोट्स द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। एड्रेस से मेरा मीनिंग क्या है, वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, उसमें उसकी एनर्जी कितनी है, साइज क्या है, किस शेल के अंदर है, शेल के अंदर किस सब शेल के अंदर है, ऑर्बिटल कौन सा है, ठीक है ना, और उसमें फिर उसका स्पिन क्या है, ठीक है जी। तो मैंने घर, कमरा, अलमारी ऑलरेडी बताया था, फिर से बताऊँगा एक बार मैं, ठीक है ना। घर के अंदर आपका कमरा, कमरे के अंदर अलमारी, अलमारी के अंदर आपकी बुक्स, या दूसरे वर्ड्स में समझे बेटा तो आप इसे, ठीक है ना, चलो चालू करते हैं, तभी हम बात करेंगे। बस अब मैं ये एक चीज़ बता रहा था बेटा आपको कि क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। और जैसे हमें किसी पर्टिकुलर आदमी को अगर लेटर भेजना हो तो हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस पता होने से मीनिंग क्या बेटा, एड्रेस याद ही होना चाहिए। याद मतलब एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा ना, ठीक है। आजकल मोबाइल नंबर तो खैर याद नहीं होते हैं, सब सेव कर लेते हैं, एड्रेस भी सब सेव रहते हैं बेटा, मिंत्रा विंत्रा से, जबोंग से, जबोंग तो हट ही गया, मिंत्रा ही बचा है, या अमेजन कहीं से भी आप कुछ बुलाते हो तो एड्रेस सेव रहते हैं आपके, आपको पता ही होगा। तो ठीक है, वहाँ सेव है बेटा, बट यहाँ पर आपको याद होने चाहिए। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए बेटा, है ना। साइंटिस्ट ने जो करा है वो सब इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। चलिए, क्वांटम नंबर समझ में आई तो ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे ढंग से, ठीक है जी। तो होता क्या है बेटा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डेफिनेशन, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन जल्दी से लिखे कि इट इज़ अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, ठीक है ना, इट इज़ अ सेट ऑफ फोर नंबर्स विच डिनोट्स द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, है ना। इट इज़ अ सेट ऑफ फोर नंबर्स विच डिनोट्स द एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। ये चार नंबर्स का सेट है बेटा, जिससे आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता पड़ता है, ठीक है जी। और एड्रेस से हमारा मीनिंग क्या है, ठीक है ना, उसकी साइज, शेप, एनर्जी, शेल, सब शेल, सब चीज़ें, मतलब बेसिकली शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल है और स्पिन, ये चार चीज़ें हैं, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ फोर नंबर विच डिनोट्स द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, एड्रेस बताते हैं बेटा, ठीक है जी। और एड्रेस से हमारा मीनिंग ये है, आपको मैंने अभी क्या बोला, शेल, किस शेल में है, किस सब शेल में है, सब शेल के किस ऑर्बिटल में है, ठीक है जी, और ऑर्बिटल में उसका
स्पिन क्या है। तो दीज आर द फोर क्वांटम नंबर, मतलब चार चीज़ों हैं अलग अलग हमें पता पड़ेंगे बेटा। एक क्वांटम नंबर से हमें शेल के बारे में आइडिया पता पड़ेगा, एक क्वांटम नंबर से हमें सब शेल के बारे में आइडिया पता पड़ेगा, एक से ऑर्बिटल और एक से उसका स्पिन। इसलिए चार क्वांटम नंबर से आपकी, ठीक है जी। और थोड़ा रफ आइडिया मैं दे चुका हूँ, बट यहाँ पर हम डेप्थ आइडिया लेंगे। और मैंने आपसे बोला ही था कि एक तरह से हम इसे घर मान लें। ये है आपका कमरा, ठीक है। ये आपका क्या है, कमरे के अंदर आपकी अलमारी, और अलमारी के अंदर आके आपका बुक्स, इस तरह से समझ सकते हो, है ना। मैं और दूसरा एग्जांपल दूं समझने के लिए, तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ बेटा कि ये सब फिक्स है बेटा, है ना। आपका घर एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पे होगा, डेली चेंज नहीं करता होगा अपनी पोजीशन। उसमें आपका कमरा फिक्स होगा, अलमारी फिक्स होगी, बुक्स जो रखी हुई हैं वो फिक्स होंगी, ठीक है। आप इसे स्कूल से भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपका जो स्कूल है बेटा, है ना, जो आपका स्कूल है, जो उसमें खूब सारी फ्लोर्स हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग क्लासरूम्स लगती हैं, है ना। अगर मैं उसे शेल मान लेता हूँ, तो उसके अंदर जो अलग अलग फ्लोर्स हैं बेटा, वो सब शेल हैं। उसके अंदर क्या है, सब शेल्स हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, मतलब आप जो एंटर करोगे शेल के अंदर स्कूल, फिर आप सब शेल मतलब अपनी पर्टिकुलर फ्लोर पर जाओगे। सब शेल के मतलब उसके बाद जो उन फ्लोर्स पे रूम बने हुए बेटा, वो हैं आपके ऑर्बिटल्स। अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग रूम्स बने होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 12 होंगे, कुछ भी हो सकता है बेटा ना। मतलब किसी में कंप्यूटर रूम हो गया, किसी में लाइब्रेरी हो गई, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उन जो क्लासरूम से बेटा, उनके अंदर जो बेंचेस लगी हुई हैं, वो एक तरह से क्या है आपके, जहाँ पर आप बैठे हुए वो आपके ऑर्बिटल हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। तो शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर क्या आपका अलग अलग, देखिए ऑब्वियसली अलग अलग एनर्जी लेवल होगा, तो एनर्जी लेवल ही अलग अलग होता। तो हम इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं, हमारे स्कूल है, स्कूल के अंदर अलग अलग फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स के अंदर हमारे रूम्स हैं, वो ऑर्बिटल हो गए, रूम्स के अंदर जो बेंचेस हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, वो हम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिंक कर सकते हैं। ये खेल समझाने की बात है बेटा, अल्टीमेटली तो आपको पूरा पूरा ये चीज़ें क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब हमारे पास कितनी होती हैं बेटा, लिख लीजिए, है ना। देर आर फोर क्वांटम नंबर्स, देर आर फोर क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन इज़ कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, लिखते चलिएगा। सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब क्यू एन ही लिखना आप भी शॉर्टकट में ना। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। जानकारी के लिए बेटा, अब जानकारियाँ तो याद रखनी पड़ेंगी, अभी से लिख लेना कि आउट ऑफ दिस फोर फर्स्ट थ्री, ये भी हमसे पूछा जा सकता है, आउट ऑफ दिस फोर फर्स्ट थ्री, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक आर डिराइव्ड फ्रॉम, आर डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, आर डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, एंड फोर्थ दैट इज स्पिन इज आर्बिट्रेरीली एज्यूम्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि विच क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इनके बारे में हम बातें बेटा करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, इसीलिए। और वो भी बिल्कुल स्लाइट रफ आइडिया, है ना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल डेप्थ में हमें करना है, तो वहाँ हम इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा लेवल उतना ही, जितना ज़रूरत है उतना ही काम करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, साइंटिस्ट नहीं, है ना, इतना ध्यान रखना है। डॉक्टर बनाऊँगा मैं आपको, फिर अंदर आपको साइंटिस्ट बनना हो वो आपकी आगे की इच्छा है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ें सर हमें पता होना चाहिए एंटर करने से पहले बेटा, हमें ऑर्बिट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इसमें बच्चा खूब कंफ्यूजन करता है बेटा, दोनों में डिफरेंस है ना। ऑर्बिट एक अलग चीज़ है बेटा, ऑर्बिटल एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, नोड, ये भी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, और नोडल प्लेन, ठीक है जी, ये इसी में पड़ेगी ना। इसी चैप्टर में हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की भी बात करेंगे, और उन्हीं में नोड नोडल प्लेन की भी बात करेंगे, ठीक है जी। और ये आगे और आएगा अभी क्वांटम नंबर में, मतलब दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट अभी एक रफ, है ना। तो ऑर्बिट क्या है बेटा, ऑर्बिट एक क्या है, ऑर्बिट को ही हम शेल भी बोलते हैं बेटा। और ऑर्बिट क्या है, एक टू डायमेंशनल रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, है ना। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बोहर ने, ठीक है। सब चीज़ें अभी मैं डिफरेंस में आपको आगे लिखा रहा हूँ, पहले मैं सुना दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उससे मैच नहीं करता है, ठीक है जी। और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब है ना, आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आगे तो आ रही, बट आप इफ़ यू वॉन्ट टू नोट डाउन जल्दी से लिख लीजिए। ऑर्बिट इट इज़ अ रीजन, इट इज़ अ टू डायमेंशनल रीजन इन स्पेस, 2D है ना, इट इज़ अ सर्कुलर भी बोल सकते हो बेटा, इट इज़ सर्कुलर इन शेप एंड इट इज़ द रीज़न
इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द क्या आपका न्यूक्लियस, ठीक है जी। ऑर्बिटल की बात करें बेटा, इसमें लिखना रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। स्पेस का वो रीजन बेटा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हमें एक चीज़ अभी से ध्यान रख लेनी है बेटा कि इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हम मान लें यहाँ पर है बेटा, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है ना। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम यही बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो, इनफाइनाइट तक भी मिल सकता है। तो हमें केवल ऑर्बिटल का मतलब वो रीज़न उठाना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आपने प्रोबेबिलिटी तो सब समझा ही होगा बेटा, है ना। एक कॉइन ही अगर मैं उछालूँ तो हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल होते हैं ना, आप श्योरली नहीं बोल सकते हेड ही आएगा, वो प्रोबेबिलिटी है बेटा। हेड आने की भी 1/2 है, टेल आने की भी 1/2, वैसे ही प्रोबेबिलिटी है। लगभग 90 से 95% स्पेस, जो 90 से 95% टाइम न्यूक्लियस जिस रीजन में, इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में बिताता है उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा इनका, नोड है ना, इसमें लिखना है बेटा इसकी डेफिनेशन, रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड का मतलब होता है बेटा, है ना, ऑर्बिटल का मतलब था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, जबकि नोट का मतलब है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये सब तो हमें पता नहीं है, धीरे धीरे बेटा आगे भी आएंगे बार बार, बट अभी से ध्यान रखना जरूरी है। तो नोट आपसे अभी के लिए इतना ही पूछेगा, नोट क्या होता है, आपसे और PhD नहीं कराएगा। तो नोट मतलब आपको यही लिखना है बस, रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज क्या, जीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, ठीक है जी। और नोडल प्लेन क्या बेटा, अब प्लेन बस नोड और नोडल प्लेन में कोई फ़र्क नहीं, नोड में हम बोलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जब आप उसके आगे प्लेन लगा दे तो बेटा एक पूरा प्लेन हो जाएगा ना। तो इसमें लिखना अ प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, अ प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो ये चार टर्म्स क्वांटम नंबर की डेफिनेशन, चारों क्वांटम नंबर, शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, स्पिन जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, दो बार सुन चुके हैं, एक बार ऑर्गेनिक में, एक बार मैंने सुनाई है, तीसरी बार सुन रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ बेटा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, जो मैंने बोल दिए हैं वो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको अपना वीडियो पॉज करके शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब नोट्स बनाने हो तो जरूर लिखिएगा, है ना, ठीक है। ऑर्बिट, एन ऑर्बिट इज द सिंपलर प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ऑर्बिट होता है, दिस इज ऑर्बिट, ठीक है। जबकि ऑर्बिटल क्या होता है, एन ऑर्बिटल रिफर्स टू द डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए थ्री डायमेंशनल मोशन, है ना। ये डायमेंशनल होता है बेटा, ये तो प्लेनर है, एक प्लेन में बस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये 3D मोशन है, कहीं पर भी घूम सकता है। एन ऑर्बिटल रिफर्स टू द डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D में घूमता रहता है, ठीक है जी। सेकेंड डिफरेंस क्या बोले बेटा, इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द पाथ दैट गेट्स एस्टेब्लिश्ड इन ए सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन है बेटा, बाय रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन में जो रिवॉल्व कर रहा है, जो पाथ बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट। और इधर एन ऑर्बिटल कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड द मोस्ट। अभी मैंने डेफिनेशन ये लिखाई थी बेटा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। और बच्चे खूब गड़बड़ करते हैं ऑर्बिट ऑर्बिटल में, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एन ऑर्बिट एज दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। एक एक चीज़ आपको अभी से याद रखना पड़ेगी बेटा, ना आगे जब हम, है ना, CH4 की शेप, H2O की शेप आपने थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत शायद ऑर्गेनिक में बता दिया होगा सर ने। तो CH4 की शेप टेट्राहेड्रल बनी, हाइब्रिडाइजेशन शायद आप sp3 बोलते हो, तो वहाँ पर बेटा s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, वो आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, है ना, ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं। यही थर्ड पॉइंट, वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एन ऑर्बिट एस दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, एस दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। मैं प्रिंटेड फॉर्म में बस मटेरियल इसलिए ला रहा हूँ बेटा कि मेरे बोलने पे कई बार आपको लगता है सर फास्ट बोल रहे हैं, स्लो हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से भी दो दो तीन तीन बार बोल ही रहा हूँ और आपके पास लिखा हुआ है ताकि आप लिख सकें नोट्स जो बना रहे। इधर क्या है बेटा, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड आउट एज दे आर डायरेक्शनल इन नेचर,
है ना, ये सब चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसी में अगर आप बोलो सर थर्ड पॉइंट अभी क्लियर नहीं हो रहा, अभी मैंने एक रफ आइडिया दे दिया CH4 का SP3, तो बस SP3 में यही बताना चाह रहा हूँ बेटा, S सबशेल, P सबशेल या जा रहे ना, तो वो सब ऑर्बिटल हैं, ठीक है ना, ठीक है। लास्ट एन ऑर्बिट दैट इज़ वेल डिफाइंड गोस अगेंस्ट द हाइजनबर्ग प्रिंसिपल, है ना, दिस वी विल लर्न इन एटोमिक स्ट्रक्चर। अभी हमें बस ध्यान रख लेना है कि ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो हाइजनबर्ग प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, जबकि इन आइडियल ऑर्बिटल एग्री विद द थ्योरी ऑफ हाइजनबर्ग प्रिंसिपल, वो हाइजनबर्ग की प्रिंस थ्योरी से क्या करता है, एग्री करता है, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, ठीक है। अभी एक डिफरेंस और भी है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ऑर्बिट को बेटा हम KLMN से डिनोट करते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स को हम लोग SPDF होते हैं। इनकी सिंपल 2D मोशन, मतलब ये 2D मोशन है, वो 3D मोशन है ना, ये सर्कुलर है बेटा, जबकि उनकी शेप जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, है ना, उनकी शेप जो होती है कॉम्प्लेक्स। शायद मैंने रफ आपको आइडिया दिया भी था बेसिक्स में, एस ऑर्बिटल जो होता है वो आपका स्फेरिकल शेप का होता है ना, नहीं दिया था तो यहाँ फिर से दूंगा, सुन लो। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है और डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल का। एफ की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि एफ कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है तो हमारे सिलेबस में उसकी शेप नहीं है, ठीक है जी। दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद होना कंपलसरी, ठीक है जी। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बोले हैं वो भी लिख लेना इसी में। नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, n से, ठीक है। ये क्या बताता है आपको, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इट इज़ गिवन बाय बोहर, ठीक है ना। बोहर में हम इसको देखेंगे, बोहर मॉडल ऑफ एटम जब हम पढ़ेंगे बेटा, तो इसका कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था बेटा। ये केवल इंटीग्रल वैल्यूज लेता है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये बताता क्या है आपको, ये आपको ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है या शेल में है या इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में आइडिया देता है, ठीक है जी। वो मैं एक एक करके जो बोल रहा हूँ लिखाते जा रहा हूँ। दिस क्वांटम नंबर वॉज गिवन बाय बोहर, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है। सेकेंड, दिस क्वांटम नंबर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, अभी जो मैंने बोला वही है बेटा, ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल, है ना। ऑर्बिट को ही शेल भी बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होना। तो दिस क्वांटम नंबर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट, हो शेल हो या एनर्जी लेवल, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, इसकी केवल इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं बेटा, वैल्यूज ऑफ एन, अब देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी। अगर नंबर में बोलोगे तो इस तरह से बोलोगे बेटा, और अगर डेजिग्नेशन बोलोगे तब हम इनको शेल बोलेंगे, है ना, के शेल, एल शेल, कैपिटल में लिखना है बेटा, क्वांटम नंबर को स्मॉल में लिखना है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन, ओ, पी, ऐसे आगे बढ़ता चले जाएगा। क्या मेरी बात आ रही सभी को समझ में, मतलब अगर हम डायग्राम के फॉर्म में शो करें तो ज़्यादा तो बड़ा नहीं शो करूँगा, 3-4 तक हम शो कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये अभी हमने बोल दिया था ऑर्बिट क्या होता है बेटा, सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का, प्लेनर मोशन रिप्रेजेंट करता है, ये प्लेनर मोशन ही, ठीक है ना। दिस इज योर एन इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे और आगे बढ़ता चले जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोले बेटा, तो आई विल से दिस इज के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, क्लियर। अब ये डिस्टेंस और एनर्जी के बारे में कैसे आइडिया दे रहा है बेटा, आप खुद ही देख लो। जितना एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा बेटा, उसकी उतनी उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। सबसे कम एनर्जी कब होगी बेटा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास हो, ठीक है, देखो यार परेशान करी बच्चों, ठीक है, ठीक है। सबसे कम एनर्जी कब होगी, जब वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास हो बेटा। क्यों, सिंपल सा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑलरेडी 10th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, आपने शायद 1/4πε₀ क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव है, अगर अपोजिटली चार्ज है बेटा तो अट्रैक्शन होगा, और अगर अट्रैक्शन है बेटा तो जितने पास होंगे उतना अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होगा बेटा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपका यही है बेटा, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, जरूरी नहीं हम पूरा सर्कल बनाए बेटा, हो सकता है कई बार आपको इतना मिला हुआ मिल जाए। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है बेटा, एन इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है, वैसे वैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, तो आप देख सकते हो बेटा कि उसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही, बढ़ती चली जा रही,
ठीक है ना, और इसी से एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है बेटा, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अब ये हमें आगे बोहर मॉडल में पढ़ना ही है बेटा, इसलिए आप चाहो तो फॉर्मूले अभी से लिख सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, किसी nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ई वी पर एटम। याद तो करना ही बेटा, देखो है ना, ठीक है। इसीलिए आप देखो जैसे जैसे एन बढ़ेगी, एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या होती जा रही, उस हिसाब से चेंज होती जा रही, ठीक है। और रेडियस की बात करें बेटा, nth ऑर्बिट की रेडियस की, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, ये है फॉर्मूले। इसी से बेसिकली जो हम फोर्थ पॉइंट बोल रहे हैं ये भी इसी से है बेटा, ठीक है। जैसे जैसे आपका एन बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा दूर, और जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी, आप बोलोगे सर एनर्जी तो नीचे है, एनर्जी कम होनी चाहिए बेटा, नेगेटिव साइन है ना बेटा। पहले ऑर्बिट के अगर एन मान लो मैं जेड वन ले लेता हूँ और एन वन ले लूँ, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है, ठीक है ना। बोहर मॉडल में आपको ये याद भी रखनी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी भले भाई याद मत रखो, लिख लेना, भले आप लिख लो ब्रैकेट में बोहर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर, वी विल लर्न अगेन ओवर देयर, और फिर से आप ट्वेल्थ में मॉडर्न फिजिक्स में फिर से पढ़ोगे। आप देखिए बेटा कि कम से कम 20-25% चीज़ें तो आप बार बार पढ़ोगे सुनोगे, तो उनमें हमारे क्वेश्चन कभी गलत ना हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ठीक, चलिए ये कहानी हो गई बेटा। अब है हमारा एक दो फॉर्मूले और लिख लो, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। दो फॉर्मूले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। दो अलग अलग चीजें बेटा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम केवल दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम केवल दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम केवल दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे, अभी हम प्रूव करेंगे इसी चैप्टर में बेटा, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बाद में, बट अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे याद रखनी है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बेसिक्स में बता चुका हूँ, बार बार बोलूँगा बेटा, क्योंकि जब तक आपको, जब हम पीरियोडिक टेबल तक पहुँचेंगे बेटा, ये सब बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर अदरवाइज आप बार बार परेशान रहोगे, ठीक है ना। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2n2, या एन आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान देना, ठीक है ना। एक ऑर्बिट में पूछेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n2, एक ऑर्बिटल में पूछेगा तो 2, ठीक है। क्या मेरी बात आपको सभी को समझ में आ रही है। अब हमसे कंफ्यूजन या गलतियां कहां करवाता है बेटा एग्जाम में, वो आपसे बोलेगा कि पी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ऑर्बिट भी हो सकता है बेटा और पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, पी सबशेल है ना, और पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बेसिक में बताया था, नहीं बताया है आपको याद नहीं तो फिर से बताएंगे बेटा, हम तो बार बार बताएंगे आपको, यहाँ बिठाना है हमें तो, ठीक है। तो ये अगर दे देगा बेटा, दोनों में डिफरेंस आ गया, आ रही मेरी बात समझ में, पी ऑर्बिटल बोलेगा, ऑर्बिटल बोल दिया तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, आंसर 2 है, और पी ऑर्बिट, इन्हें क्वेश्चन बना के लिखते चलना बेटा, पी ऑर्बिट के मतलब पहला, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O, फिर P, ठीक है, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ता चले जाएगा। हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में केवल 7th पीरियड तक ही है, मैक्सिमम वैल्यू पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास अभी तक एग्जिस्ट करती है उसमें N की मैक्सिमम वैल्यू 7 है बेटा, बट आगे अगर सर और बढ़ाना हो तो KLMNOPQRSTUVWXY फिर Z, सर इसके आगे और जाना हो तो Z1, Z2, Z3 अप टू इन्फिनिटी, इसीलिए हम बोलते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक n की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर कोई पूछ ले तो बता देना उसे KLMNOP के बाद पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अप टू Z, फिर Z1, Z2, Z3, Z4 चलता चले जाएगा। क्या मेरी बात आई सभी को समझ में, ठीक है। तो अगर P ऑर्बिट बोल रहा है बेटा, तो अभी हमने उंगलियों पर गिना, KLMNOP मतलब P ऑर्बिट बोल रहा है तो n की वैल्यू 6 है, तब हमारा फॉर्मूला 2 × 6² दैट इज 72, ठीक है। अब देखिए यहीं से अगर मैं एक अच्छी चीज़ और पूछूं आपसे बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, ये जो मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ना बेटा, ये जो चीज़ें ये अभी आगे और लिखाऊंगा, इनको एक साथ एक जगह नोट करना, क्योंकि ये आपको याद होना जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, अब देखो इन्हीं दोनों का काउंटर पार्ट है बेटा, आपने बोला एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² है, तो अगर एक ऑर्बिट में ऑर्बिटल पूछेगा तो हम क्या करें बेटा, 2 से इसको डिवाइड कर दें टोटल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितने हो जाएंगे n², ठीक है। तो अगर हमसे पी ऑर्बिट में ऑर्बिटल पूछेगा तो अगर इलेक्ट्रॉन 72 है बेटा तो ऑब्वियसली उसके आधा, और 72 का हाफ कितना होता है बेटा 36, तो दिस 3 अभी तो और आएंगे ऐसी चीज़ें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसी से मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया, ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो मैंने अभी आपको बता दिया बेटा क्या n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने अभी आपको बता दिया बेटा 2n², ये सब चीज़ें नोट्स जरूर बनाइएगा बेटा। अभी आप 11th में हो, ये कोर्स 11th के लिए है, नोट्स नहीं बनाओगे आप सोचोगे बस मैं ऐसे देख लूँ, इससे काम नहीं होगा, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं, एक एक चीज़ लिखें बेटा, ठीक है। ठीक, मेरा पर्पस स्लाइड फॉर्म में, कि कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप तेज़ी से बोल देते हो, हम लिख नहीं पाते, तो मैंने कभी हमें हर एक चीज़ समझाऊं और लिखी भी रहे, ताकि अगर मैं कभी स्पीडली होता तो नहीं बेटा, नॉर्मल स्पीड से ही चलता हूं, बट देखिए मेरी स्पीड किसी के लिए फास्ट हो सकती है, किसी के लिए स्लो हो सकती है, ठीक है ना, और किसी के लिए एवरेज के, हाँ सर सही चल रहा है, तो तीनों तरह के बच्चे होंगे बेटा, है ना, तो हम सबका ही ध्यान रख लेते हैं। जिसको फास्ट चाहिए बेटा वो जल्दी से लिखे, धड़ आगे बढ़ जाए, जिसको स्लो चाहिए वीडियो पॉज करके आसानी से लिखे, ठीक है ना, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक। तो और इधर है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, एन अगर 1 है तो एन का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर 2, एन अगर 2 है 2 का स्क्वायर 4, आप वेज डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, 4 ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है बेटा तो उसका डबल 8 होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, वही है बस। 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 18, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा 32, क्या आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। मैंने फंडामेंटल ऑफ आईओसी में थोड़ी चीज़ें आपको बताई थी बेटा, कि फोर्थ शेल के अंदर भले 32 इलेक्ट्रॉन है, बट फोर्थ शेल के अंदर एलिमेंट्स केवल आपके कितने 18 ही है, फोर्थ शेल के अंदर एलिमेंट्स केवल 18 है, आपको याद होगा उसमें मैंने बताया था, हर शेल 4s से चालू होता है, मतलब हर शेल S से चालू होता है, ख़त्म P से होता है, तो 4S, 4P और 3D बताया था, ये नहीं बता तो चुका हूँ, मुझे तो याद है बेटा, आपको हो सकता है आप भूल गए हो, तो वापस इस टॉपिक में ही आएगा। इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा S सब शेल में, P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10, तो आप देख लीजिए अगर हमारे जो पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड होगा बेटा उसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। बट फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 32, क्या रीज़न है बेटा सब समझेंगे अभी, मैं एक आग पहले से लगा देना चाहता हूँ कि चीज़ों को क्लियर करें। तो आई होप ये कहानी क्लियर बेटा। अब जैसे पीएच शेल अभी मैंने पूछ लिया कि पीएच शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैंने बता ही दिया आपको बेटा 72, ठीक है जी। चलिए नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड, कुछ नहीं है ज़्यादा बेटा, सिंपल सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन चीज़ बोहर ने बताई थी, इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, KLMN शेल होती है, और ये हमें साइज़ और एनर्जी के बारे में आइडिया देता है, ठीक है जी। और तीन फॉर्मूले की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे 2n², ऑर्बिटल्स पूछे n², ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ख़त्म। अब ये भी सिंपल है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एल से, है ना, अब कंप्यूटर वाला एल ऐसे ही बनता है, बट हम बनाने के लिए ऐसे छोटा एल बनाते हैं, इसे हम ठीक है ना, इट द कॉन्सेप्ट ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसने दिया, सोमरफील्ड ने, ठीक है ना, अभी नाम आएगा बेटा चिंता न करें, इट इज़ गिवन बाय सोमरफील्ड, जिसको लिखना हो मेरे साथ साथ लिखते भी जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि इसके दो और नाम है बेटा, इससे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ठीक है, या फिर आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो एक्चुअल नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, बट इट इज़ आल्सो नोन एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज गिवन बाय किससे बेटा, सोमरफील्ड, ये हमें किसके बारे में बताता है बेटा, इट गिव्स द आइडिया ऑफ सबशेल और शेप ऑफ सबशेल बताता है, पहली बार क्वांटम नंबर शेल बताती थी बेटा, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट सबशेल इन अ शेल, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट सबशेल इन अ शेल, कि एक शेल के अंदर कितनी सबशेल है, एक शेल के अंदर कितनी सब शेल हैं और उनकी शेप क्या है, जैसे हमने बोला था ना एस स्फेरिकल का है, पी डंबेल का है, डी डबल डंबेल का है, वापस लिखेंगे बेटा हम तो बार बार सुनेंगे, भैया पीरियोडिक चालू होगा ऐसे तो ना मैं नहीं बोलूँगा, इवन जब 12th में आप आओगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, तो जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा बेटा मैं वहाँ भी बात करूँगा वापस,
ठीक है ना, बॉन्डिंग में मैं फिर से शेप की बात करूंगा, बार बार बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है बार बार सुनने से ही चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू की बात करें बेटा, तो इसकी वैल्यू एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है और वो जीरो से लेकर एन माइनस वन, बस इतनी चार चीज़ें अगर हमें याद है। और पाँचवीं चीज़, एल जीरो मतलब एस सब शेल, एल वन मतलब पी सब शेल, एल टू मतलब डी सब शेल, एल थ्री मतलब F सब शेल, L5 है तो F के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में G आता है बेटा, तो आप उसे G सब शेल की बात करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते चले जाएंगे हमारी कहानी, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में केवल एस पी डी एफ ही है बेटा, बट आगे बढ़ाना चाहो तो इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में F के बाद G, फिर H, फिर I, फिर J, फिर फलाना ढिमका, ऐसे कहानी आपकी बढ़ती चली जाएगी आगे, ठीक है जी। बस दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो अब हम सब, ठीक है ना, एक बार मैंने बोल दी, आपने नोट भी कर ली होंगी जिनको नोट करना थी, और जिन्होंने नहीं करी अब वो देखते जाए। दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है जी, तो दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या मतलब है इसका बेटा, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब है ना, एस यू बी होना चाहिए, ठीक है जी, एस एन छप गया, सन नहीं होता, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये नाम पता होना बेटा जरूरी है, पहली इन्फॉर्मेशन। दिस क्वांटम नंबर इज वाज गिवन बाय सोमरफील्ड, दूसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। तीसरी इन्फॉर्मेशन, एजिमिथल क्वांटम नंबर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सबशेल, बता दिया मैंने, ठीक है। इट ऑल्सो टेल्स, ठीक है ना, द शेप ऑफ सबशेल, ये आपको ना, ये आपको शेप ऑफ क्या बताता है बेटा, सबशेल के बारे में, ठीक। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन, एल की वैल्यू एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, और ये आपका लिखाई हुआ है, चलो नीचे, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जाती है, एल की वैल्यू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जाती है, मतलब इंटीजर है बेटा, जीरो भी हो सकती है। पहली क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर में क्या डिफरेंस हुआ, पहले वाले की वैल्यू जीरो नहीं होगी बेटा, जबकि इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है। तो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। आई बात समझ में, मतलब टोटल वैल्यूज की बात करें बेटा, टोटल वैल्यूज ऑफ एल वो किसके बराबर हो गए बेटा, एन। टोटल वैल्यूज ऑफ एल बात करें तो कितनी हो गई, एन, क्योंकि वन से लेकर एन तक एन नंबर होती है बेटा, है ना, वन से लेकर फोर तक कितनी नंबर है, चार ही तो है, 1 2 3 4, तो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक भी तो एन ही नंबर होंगी, जीरो से लेकर थ्री तक इंटीजर ही है, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, चार, तो टोटल जीरो से लेकर एन माइनस वन तक टोटल वैल्यूज, अगर टोटल वैल्यूज पूछे तो एन, और इंडिविजुअल वैल्यूज पूछे तो जीरो से लेकर एन माइनस वन, दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी को मैंने आपके लिए चार्ट फॉर्म में लिखा है, और ये पांचवा पॉइंट जो आपको याद रखना जरूरी है, अगर एल जीरो होगा तो एस सब शेल, ठीक है ना, एस का मतलब होता है शार्प, अगर L1 है बेटा तो P सब शेल इसका मतलब है प्रिंसिपल, है ना, दोनों अलग अलग है, वो प्रिंसिपल अलग था, क्वांटम नंबर अलग, है ना। L अगर 2 है बेटा तो D सब शेल डिफ्यूज, L3 है तो F सब शेल फंडामेंटल, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, इसके आगे मुझे भी नहीं आता है, जरूरत भी नहीं, आता तो है मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको खुशी होगी ना, अच्छा मेरे सर को ही नहीं आता, ठीक है। GHI इनसे हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए साफ साफ लिखा बेटा, दिस फोर हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है SPDF, ये एग्जिस्ट करते हैं इन पीरियोडिक टेबल में, जबकि ये केवल थ्योरी में है, बहाने से हम क्वेश्चन में, हम से मेरा मीनिंग बेटा एग्जामिनर भी आपसे बोलेगा जी सब शेल, एच सब शेल, आई, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर GHIJKLMNOP ऐसा चलता जाएगा, ठीक है जी। ये पांच चीज़ें अब इसी को हमने थोड़ा और आपके लिए आसानी करी, अगर एन वन है बेटा तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि जीरो से लेकर एन माइनस वन तक है, तो आप देखो एन को वन रखो तो इधर भी जीरो उधर भी जीरो, मतलब केवल एक की वैल्यू होगी। मैं आपसे यही बोल रहा था, जितने जो एन की वैल्यू होगी बेटा टोटल वैल्यूज उतनी ही होगी, ठीक है ना, और वो केवल जीरो है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एन टू है, सब लिखना है आपको बेटा, तो जीरो से लेकर टू माइनस वन मतलब दो वैल्यूज हो गई, एन टू है तो वैल्यूज भी दो होंगी, और पूछे कौन कौन सी होगी तो जीरो भी होगी वन भी होगी, ठीक है। एन थ्री है तो टोटल कितनी वैल्यूज होंगी बेटा, तीन, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जीरो भी होगी वन भी होगी टू भी होगी, ठीक है जी। अब देखो ये सब मैं बता चुका हूँ बेटा बेसिक में, अब अच्छे ढंग से नोट्स लिख रहे हैं, वहाँ मैंने बस 35-40 मिनट में आपको एक रफ आइडिया दे दिया था, हाफ एन आवर 45 मिनट्स में, यहाँ हम डेप्थ में बातें करेंगे, सेशन तो यहाँ पे भी उतना ही रहेगा बेटा, बट यहाँ पर एक एक चीज़ अब लिखते हुए, एन फोर है तो टोटल वैल्यूज भी कितनी होंगी बेटा, चार, पूछे कौन कौन सी होंगी तो जीरो वन टू थ्री, है ना, सब चीज़ें प्लीज़ लिखते चलिएगा, ठीक है। अब उन्हीं का डेजिग्नेशन बेटा, एस सब शेल मतलब शार्प स्फेरिकल शेप का होता है, पी सब शेल मतलब प्रिंसिपल, ठीक है जी,
आ रही मेरी बात समझ में? आप बोलोगे तो प्रिंसिपल आ चुका है, ठीक है ना, प्रिंसिपल आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रिंसिपल PRINCIPAL था और अब वाला प्रिंसिपल है PRINCIPLE, दिस इज प्रिंसिपल। दोनों में फ़र्क ये बेटा ना, डम्बेल शेप का है, डम्बेल उठाया होगा ना आपने, दो लोब्स होती है बेटा, ये दो लोब्स हैं और बीच में, ठीक है। डी सब शेल की बात करें बेटा, डी का मतलब है डिफ्यूज और डबल डम्बेल क्योंकि इसमें चार आ गए, ठीक है। एफ सब शेल मतलब फंडामेंटल, हमें कोई ज़रूरत नहीं बेटा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड है और जी तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, पीरियोडिक टेबल में ही नहीं, तो हम क्या करें, बाकी ठीक है मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर एल की वैल्यू 1 है बेटा तो एल के एल 0 होगा, इसलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, 1 के अंदर केवल फर्स्ट शेल के अंदर केवल एक ही सब शेल होता है, जिस नंबर की शेल होगी बेटा उसमें उतनी ही सब शेल होंगी, अगर मैं पूछूँ सेकेंड शेल के अंदर कितनी सब शेल, तो 2 सब शेल, तो टोटल वैल्यूज ऑफ एल जो मैं एन बोल रहा हूँ इसका मीनिंग ये, सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल होंगी, कौन कौन सी होंगी बेटा, एस बी होगी, पी बी होगी और उनका डिनोशन 2s और 2p, ठीक है जी। ये पूरे चार्ट वर्ड सब बनने हैं बेटा नोट्स में। n इक्वल टू 3 है, 3 है मतलब टोटल, थर्ड शेल के अंदर मैं पूछूँ कितनी सब शेल होंगी, मतलब हमारे लिए एक फार्मूला बन चुका है जिसे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ सब शेल्स जो तीन फार्मूले मैंने लिखाए थे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले, उसमें चौथा ये भी ऐड करोगे आप, अभी और आ रहे हैं, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, तो इसका मतलब है अगर ये पूछे नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल पूछे n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल पूछे तो n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल पूछे 2n स्क्वायर, ये चीज़ें इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं अगर क्लियर ना हो कि बच्चा गड़बड़ करके आ जाता है, और इसीलिए मैं उतना ही एनर्जी लेवल से आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा कि इनको गड़बड़ नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला भी है कि एक आखिरी के पेज में एक पेज अभी से अलग बना लो या एक शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी बनाओ, उनमें ये फॉर्मूले ज़रूर लिखें, ठीक है। फोर्थ शेल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कितनी सब शेल होंगी, तो फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल होंगी जिनका नाम SPDF होगा, ठीक है ना, तो इसलिए 4S, 4P, 4D, 4F। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होंगी तो 3S, 3P और 3D, तो इस तरह से ये कहानी आपकी होती जाएगी, है ना, इस तरह से कहानी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये है कहानी, ये आपको ध्यान रखना हर चीज़ को बेटा, मैं एक बार समझा रहा हूँ, अगर आप लिखने में थोड़ा सा स्लो हैं, ठीक है ना, मेरा पर्पस ही सेशन को 45-50 मिनट्स के रखने का यही रहता है बेटा, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, लिखना आपको है, लिखने में समय लगता है, ठीक है, और फिर वो ऑलरेडी 20-30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा लगने ही है, तो जो ऑफलाइन में लगभग 1.5-1.5 घंटे का एक सेशन होता है उतना आपके लिए इफेक्टिवली घर पर भी होगा, हम चाहते हैं कि पूरी ऑफलाइन की तरह आपकी ट्रेनिंग हो, ठीक है जी। अब देखो हमें ये लिखने का पर्पस क्या बेटा, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अगला छोटा सा क्वेश्चन मैंने यही दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड एल फॉर द फॉलोइंग सबशेल, अगर 6D लिखा हुआ है तो लिखते ही हमें एन और एल पता पड़ जाना चाहिए बेटा, एन तो खुद ही दिख जाएगा जो नंबर है, तो देखो एन 6 हो गया और एल आपको निकालना पड़ेगा, है ना, डी है तो 1 0 एस के लिए, पी के लिए 1, डी के लिए 2, ये आगे इनकी ज़रूरत खूब ज़्यादा पड़ने वाली बेटा। इसी तरह से 7G, तो आगे जो नंबर है वो तो n की वैल्यू है 7, अब g, ठीक है हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा g सब शेल मतलब पीरियोडिक टेबल, बट हमें करना तो है 0 1 2 3 4, ठीक है, तो s p d f और f के बाद क्या g, तो l की वैल्यू g के लिए 4 हो गई, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना। मान लीजिए मैं और लिख दे रहा हूँ बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 5F के लिए बताओ, है ना, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, 5F ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू है x, सुनना मेरी बात, ठीक है ना, और 4p के लिए n प्लस l की वैल्यू है y, आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखिए, इफ़ वैल्यू ऑफ n प्लस l फॉर 5f ऑर्बिटल एंड 4b ऑर्बिटल आर x एंड y रेस्पेक्टिवली, इफ़ वैल्यू ऑफ n प्लस l फॉर 5f एंड 4p ऑर्बिटल आर x एंड y रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x माइनस y। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना के आपको परेशान करने की कोशिश करता है। यहाँ सिंपली मैंने एन और एल पूछा था बेटा, अब मैंने दो अलग अलग ऑर्बिटल दिए हैं, उनके एन प्लस एल की वैल्यू को एक नाम दे दिया है, दूसरे के लिए भी दे दिया है और फिर उनका डिफरेंस पूछ लिया है, तो यहाँ का एन प्लस एल कितना हुआ बेटा, एन 5 है, एफ है तो कितना हो गया बेटा 3, तो हमारे लिए एक्स की वैल्यू हो गई कितना बेटा 8, क्या मेरी बातें हजम हो रही है सभी को। नीचे आ जाएं बेटा 4p, तो एन है 4 और पी के लिए एल होता है 1, तो हमारे लिए y की वैल्यू हो गई कितनी बेटा 5। ये हमें तुरंत समझ में आना चाहिए बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रूल समझेंगे उनमें हमें बार बार n प्लस l की ज़रूरत पड़ेगी, और अब हमारे लिए जो आंसर हो गया बेटा दैट इज़ 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3।
अब हमारे लिए जो आंसर हो गया दैट इज 8 - 5 = 3। इज इट क्लियर? आई मेरी बात सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ते बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल कैन नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये इन्होंने फालतू में आंसर भी दे दिया। अब देखो 7D, तो 7D एग्जिस्ट कर सकता है क्यों? N7 है बेटा, L2 है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमें पता है L की वैल्यू हमेशा N से कम ही होनी चाहिए एक, ठीक है। 4G के लिए N भी 4 हो गया, L भी 4 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। L हमेशा N से एक छोटा ही होगा, ठीक है ना। अब इसने क्या कर दिया बेटा, SN लिख दिया है, SP लिख दिया है ना, SN नहीं है ये, 5N होगा मेरे हिसाब से, है ना। 5N भी कैसे होगा यार, 5H होगा, है ना, इसे मॉडिफाई कर लेना, 5H है ना, गलत लिख दिया, और ये 5P है बेटा, ठीक है ना। नीचे आंसर से देख के मैं बता सकता हूँ। तो 5H, तो N तो 5 है बेटा, H के लिए गिन लो, है ना, H के लिए गिनो, L की वैल्यू क्या होगी? S, P, D, F, G और H, छठे नंबर पर आ रहा है, तो एक कम कर दो, 5। N और L कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब क्वांटम नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही हैं बेटा, कि कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5P तो N 5 है, ये 1 है बेटा, ये एग्जिस्ट करेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर नीट में तो नहीं आते, नीट में ये तो पूछ सकता है कि B एंड C विल नॉट एग्जिस्ट, या अगर एग्जिस्ट वाला होगा तो A और D विल एग्जिस्ट। तो क्वांटम नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे बेटा, ठीक है जी। चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगला जो चार फॉर्मूले तो लिखा दिए बेटा मैंने आपको, है ना। अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 2L+1। अगर N देख के ऑर्बिटल पूछ रहा है तो N2, बट अगर L के लिए पूछ रहा है तब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बच्चों? 2L+1। अगर L देख के पूछ रहा है तब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों? 2L+1। L देख के बोल रहा है तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी, ठीक है। इसी तरह से अगर ऑर्बिटल्स 2L+1 है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन बताओ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? 2, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 फॉर्मूले आ चुके हैं बेटा अभी तक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल इज इक्वल टू 2L+1, ठीक है। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल पूछेगा तो N2, ठीक है ना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल या बहाने से गिवन वैल्यू ऑफ L पूछेगा तो 2L+1, दोनों ऑफ अलग हो गए, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल या ऑर्बिट बोलेगा तो 2N2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सब शेल इस जितने ऑर्बिटल हैं उसका डबल कर देना है, 2 × 2L+1। टोटल अभी तक आपके 6 फॉर्मूले आ गए हैं, इन्हें ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है जी। ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अगली क्वांटम नंबर जो है बेटा मैग्नेटिक, वो इसी के ऊपर डिपेंड करने वाली है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल्स पता पड़ते हैं बेटा। पहली क्वांटम नंबर से क्या पता पड़ा? शेल। दूसरी से क्या पता पड़ा बच्चों? सब शेल। और तीसरी से ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की नंबर आपके सामने पहले से आ चुकी है हमारे पास। अगर L की वैल्यू हमें पता है तो हम ऑर्बिटल्स बता सकते हैं, है ना। मतलब L इक्वल टू 0 किस सबशेल के लिए होता है? सुनते चले बेटा बार बार, तभी याद होगा, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं, L इक्वल टू 0 किस सबशेल के लिए बेटा? S सबशेल, ठीक है। और अगर मैं पूछूं S सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, है ना, यहाँ पर हम सबशेल लिख दे रहे हैं, तो आपको केवल L की वैल्यू 0 रख देनी है, केवल एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है जी। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन भी लिख लूँ, ये भी चार्ट बना लेना बेटा, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछूं L अगर 1 है बच्चों, तो कौन सा सबशेल हुआ? P सबशेल। अब मैं पूछूं P सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल होंगे, तो हमने अगर L को 1 रखा बेटा, तो 2 × 1 = 2+1, हम बोलेंगे 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चों? 6। इसी तरह से अगर हमने L इक्वल टू 2 रखा, है ना, इसी तरह के तरह से अगर हमने L को 2 रखा बेटा, मतलब D सब शेल, ठीक है ना। D सब शेल अगर 2 रखा तो 2 × 2 = 4+1 कितना आपका? पहले D सब शेल है, ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा? 5। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए D सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। और हमारा काम बच्चों F तक है, तो अगर मैंने L को 3 रखा, है ना, अगर L को 3 रखा तो 3 × 2 = 6+1 = 7, मतलब ये F सबशेल, F सबशेल है तो इसलिए आपके 7 ऑर्बिटल हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 40, ठीक है जी। हमारे जो काम का है वो ये है, ठीक है। ये मैं फंडामेंटल से बेसिक्स ऑफ IOC से समझाते आ रहा हूँ बेटा, और बार बार बोलूँगा जब तक आपके दिमाग में बस न जाए, क्योंकि मुझे पता है 20 साल का मेरा अनुभव और आपकी उम्र तो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से भी कम है बेटा, मुझे पता है। तो जब दो तीन साल ड्रॉप लेने वाले बच्चे 11th कर लिया, 12th कर लिया, फर्स्ट ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप वाले भी ये गड़बड़ियाँ करते हैं बेटा,
और हमें तो पता है क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आता है, बच्चा गलत करके आ जाता है। तो आप कभी भी ऐसी गड़बड़ ना करें, शुरू से ही चीज़ों को प्रॉपरली समझते चलें, ठीक है जी। चलिए ये फिर से मैंने उसी को जो मैंने लिखा है उसको चार्ट के फॉर्म में, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 40, ठीक है जी। हर चीज़ मैंने जो बोल रहा हूँ बेटा वो मैं प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको दे रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहे, आराम से आप लिख सकें, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन चालू हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सी सब शेल है जो 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकती है। बेटा बच्चा कॉमनली टिक करेगा 3p, है ना। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाल दिए बेटा बीच बीच में, बट एक्चुअली आपका आंसर सभी होंगे, ठीक है ना। आपका आंसर 3p भी होगा, आपका आंसर 4d भी होगा, आपका आंसर 4f भी होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा उसने कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, ठीक है ना। कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, तो कैन का मतलब क्या बेटा, कि जिसमें 6 आ सकते हो, इसमें तो 6 आएंगे ही आएंगे, डी में भी तो 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं ना बेटा, 6 तो आ ही सकते हैं इसका मतलब, F में मैक्सिमम 14 आते हैं, और 14 आते हैं तो इसका मतलब 6 तो इसमें भी आ सकते हैं। क्या मेरी बात आ रही है सभी को समझ में, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब तो सिंपल हो गई चीज़ें बेटा, इसका कॉन्सेप्ट लिंडे ने दिया था, ये आपको शेल के अंदर मतलब सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं बता ही दिया है, उनके बारे में जानकारी देता है, ठीक है जी। और हमें ये ओरिएंटेशन ऑफ क्या बताता है बेटा, सब शेल्स, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल से मीनिंग क्या है सर, आप बोल रहे हो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं बेटा तो उनके नाम भी तो अलग अलग होंगे, एस सब शेल में तो एक ही ऑर्बिटल है इसलिए कोई नाम नहीं है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है तो नाम होंगे, और नाम होंगे तो ओरिएंटेशन भी अलग अलग होगा, ठीक है ना, ठीक है जी। मतलब 3 अलग अलग ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है, बस यही चीज़ है, इट इज़ गिवन बाय लिंडे, है ना। दिस क्वांटम नंबर ये लिखते चलिएगा बेटा, वॉज दिस क्वांटम नंबर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स और सबशेल इन स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, पी सबशेल के अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो आखिर स्पेस में किस तरह से अरेंज है, जो मैं अभी आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में अभी आइडिया देने वाला हूँ, पहले हमें पॉइंट पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। थर्ड, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल, भैया ऑर्बिटल है तो अभी हमने फॉर्मूला लिख लिया था 2l+1, ठीक है ना, तो m की वैल्यू l की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, और वो कहाँ से कहाँ तक जाती है बेटा, माइनस l से लेकर प्लस l तक, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, 0 को शामिल करते हुए, इसीलिए 2l+1 वैल्यू से, है ना। मैंने तब भी बताया था बेटा, क्योंकि आप नीट के हो, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे -1 से लेकर +1 तक टोटल कितने नंबर्स हो गए, 3 नंबर, 1, 2, 3, ठीक है ना, आ रही मेरी बात समझ में, टोटल कितने नंबर हो गए बेटा, 3 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका इसी को हम 2l+1 वैल्यूज़ बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। चलिए तो अगर l 0 है तो हमारा m की वैल्यू -0 से 0 तक, मतलब इनडायरेक्टली केवल m0 a की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर L 1 है तो -1 से लेकर +1, वही मैंने आपको समझा दिया है बच्चों, टोटल 3 वैल्यूज़ होंगी, -1 भी, 0 भी, +1, टोटल 3 वैल्यूज़, ठीक है जी। अगर L 2 है तो हमारे पास -2 से लेकर +2, ठीक है, तो हमारे पास ये D सब शेल हो गया बेटा, -2 भी होगी, थोड़ा नीचे आ गया है, -1 भी होगी, 0 भी होगी, +1 +2, मतलब इनडायरेक्टली टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई बच्चों, 5 वैल्यूज़, इनडायरेक्टली टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई मेरे बच्चों, 5 वैल्यूज़, ठीक है जी, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अगर L 3 है तो -3 से लेकर +3, आप खुद ही दिमाग लगाओ कितनी हो गई बेटा, टोटल 7 वैल्यूज़, ठीक है जी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है ना, 7 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है ना। ऑर्बिटल का बॉक्स नोटेशन, अब बॉक्स नोटेशन क्या होता है जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूँ, 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल, है ना, 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। तो अगर हम बात करते हैं बेटा एस सबशेल का एल जीरो होता है, ठीक है ना, इक्वल टू लिखना था यहाँ पर, एल जीरो है बेटा तो एम भी जीरो हो गया, एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, और इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से, ठीक है, केवल एक ही और आपको बॉक्स शो करना है, ठीक है। अब ये 1s भी हो सकता है, 2s भी, 3s भी, किसी का भी, क्योंकि s तो सभी में आएगा ना बेटा, 3s के बाद, सॉरी 4s, किसी का भी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेटा पी सबशेल का L1 है
तो m की तीन वैल्यूज हो गई, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, थ्री वैल्यूज हो गई, ठीक है। और इसको अगर हमें शो करना होगा बेटा, तो इस तरह से तीन आप बॉक्स बनाओगे, एक को हम पी एक्स बोलते हैं, एक को पी वाई, एक को पी जेड, ठीक है ना। अब सर किसको माइनस वन बोलें, किसको जीरो, किसको प्लस वन, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट हम जीरो पी जेड को बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जीरो पी जेड को बोलोगे, ठीक है ना। और माइनस वन प्लस वन किसी को भी बोल सकते हो, पी एक्स को भी, पी वाई को भी, क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे कि इनके चारों क्वांटम नंबर्स लिखो, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर लिखो, तब आपको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, है ना। कि पी एक्स में है तो हम प्लस वन भी बोल सकते हैं, माइनस वन भी बोल सकते हैं, इनफैक्ट जीरो भी बोल सकते हैं बेटा, है ना। मान लीजिए मल्टी, आपको नीट में तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, उसने तीन ऑप्शन में पहले में एम की वैल्यू को माइनस वन बोला, दूसरे में बेटा जीरो बोला, तीसरे में प्लस वन बोला, चौथा बोला ऑल आर करेक्ट, तो सभी करेक्ट है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट हम पी जेड को जीरो बोलते हैं बेटा, बट बोलने को हम सभी को, किसी को भी माइनस वन, प्लस वन, जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डी सबशेल जिसका एल टू है बच्चों, तो माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, टोटल कितनी वैल्यूज हुई, फाइव, ठीक है ना। सब चीज़ें देखो बार बार जो हम लिख चुके हैं बेटा, उन्हीं को हम बार बार बोल रहे हैं ताकि हमें और स्ट्रांगनेस आए। तो इस तरह से पाँच आप शो करोगे बेटा, इनके नाम भी होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये पाँच नाम है। एस में एक ही ऑर्बिटल है इसलिए उसका कोई नाम नहीं बेटा, पी में तीन है इसलिए उसके नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी में पाँच है इसलिए उसके नाम है, बस यही हमें आठ नाम याद रखने हैं, पी के तीन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है ना, और डी के पाँच, क्योंकि एफ की हम बात ही नहीं करते और एस का कोई नाम ही नहीं। इसमें भी बेटा, इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, अभी शेप की हम बात करने वाले हैं, इन्हें हम बुलाते हैं बेटा नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स, नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनमें जो लोब्स है हमने बता तो दिया है, डी सबशेल है तो किस शेप का होता है बेटा, डबल डम्बेल, डी है तो किस शेप का होगा, डबल डम्बेल, डी है तो किस शेप का होगा, डबल डम्बेल, और डबल डम्बेल शेप का है, नॉन एक्शियल ऑर्बिटल है, मतलब ये जो चारों लोब्स होंगी बेटा ये एक्सिस में नहीं होंगी, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं नॉन एक्शियल ऑर्बिटल। पी की शेप आने वाली अभी, बट बार बार मैं बोल क्यों रहा हूँ, आप अब तक मेरा पर्पस समझ चुके होंगे कि आपके माइंड में सेट हो, पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड वो एक्शियल है तीनों। पी एक्स का मतलब है जो दो लोब डम्बेल के होंगे वो एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, पी जेड का मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। तो ये नॉन एक्शियल ऑर्बिटल है बेटा, और ये आपके एक्शियल ऑर्बिटल, इनमें जो लोब्स होती हैं वो एक्सिस के अलोंग होती, ये हमारे एक्शियल ऑर्बिटल्स है, इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए, एफ सबशेल में एल की वैल्यू थ्री है, इनके हमें नाम नहीं याद रखने हैं, बट हाँ है ना, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, सात वैल्यूज है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो क्वेश्चन लिखने को आएंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे बेटा, उनमें आपको एफ के लिए ऐसे सात डब्बे बनाने पड़ेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है, और एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए एफ सबशेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। चलिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन बताई दिया है, फिर से बना रहे बेटा। एस सबशेल का एल जीरो होता है, एम बी जीरो, ए की वैल्यू है, और शेप इसकी क्या है बेटा, स्फेरिकल आ चुका है, बस एक स्फेयर बना दो, है ना। वन एस है तो न्यूक्लियस के पास बना दो, टू एस के लिए दो गोले, थ्री एस के लिए तीन गोले, तो लिख लेना हमारा एस सबशेल इज स्फेरिकल इन नेचर, एस सबशेल इज स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किसकी, पी सबशेल, एल वन है बेटा, तीन वैल्यूज हो गई, डम्बेल शेप का है, ठीक है। तो अगर पी एक्स है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस, पी एक्स है तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग बनाना है, ठीक है ना। अगर पी वाई होगा, इसे हम नाम देंगे क्या बेटा, पहले लिख दूँ पी एक्स, अगर पी वाई होगा, अगर पी वाई होगा तो आप लोब्स जो बनाओगे अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई है तो आप इसे नाम दोगे क्या बेटा, पी वाई, है ना। एनसीईआरटी बुक में देखोगे या शीट में तो ऐसे डॉट 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 भी बने हुए होते हैं बेटा, है ना, वो डॉट 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 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे डॉट 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 लाइक दिस, ठीक है। और अगर पी जेड होगा बच्चों, अगर पी जेड होगा तो ये एक्स एक्सिस है बेटा, अगर ये वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस क्या होगी, इसकी और परपेंडिकुलर, है ना। अब ये लाइन 3D में तो बेटा ये बोर्ड के बाहर और पीछे होगा, बट अभी मुझे मजबूरी में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दिस, अगर मैं ये जेड एक्सिस ले रहा हूँ तो ये पी जेड है, ठीक है। अब मैं यहीं पर बेटा इनके नोडल प्लेन की भी बात कर लूँ, पी एक्स का नोडल प्लेन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोडल प्लेन।
अ प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो एक्स में तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बेटा मुझे, ना वाई में मिल रहा है ना जेड में, तो पी एक्स का नोडल प्लेन सीधे सीधे याद रखना है बेटा, है ना, वाई जेड। और याद रखने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, हमारे पास तीन ही एक्सिस है बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स आ गया है तो बचा के वाई जेड, वो नोडल प्लेन है। अब पी वाई इलेक्ट्रॉन से केल वाई एक्सिस पे, तो इसका नोडल प्लेन हो गया एक्स जेड। पी जेड है तो ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स हो गए जेड एक्सिस पर, इसका नोडल प्लेन है एक्स वाई, लाइक दिस। तो ये आपको याद होना जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। अब डी की बात करें बेटा, तो अभी मैंने बता ही दिया डी में, डी सबशेल में आपका, ठीक है ना, डी सबशेल में, ओह इन्होंने सीधे ये चालू कर दिया, डी सबशेल में एल टू है बेटा, तो पाँच होंगे, नाम मैंने बता दिया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी आपका जेड स्क्वायर ना। अब शेप डी एक्स वाई ऑर्बिटल, आप एक्स बनाओ वाई बनाओ बेटा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल की शेप एक्स बनाओ वाई बनाओ और उनकी लोब्स, इसलिए मैंने बोला थे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है ना, ये थोड़ा ढंग से बनाना, ऐसे बन गया, इनकी लोब्स को आपको एक्स और वाई के बीच में डाल देना है, इनकी लोब्स को आपको एक्स और वाई के बीच में डाल देना है। और अगर हमसे नोडल प्लेन पूछ रहा है बेटा, तो हमारे पास एक्सिस भी तीन है बेटा, एक्स वाई जेड, हमारे पास प्लेन भी तीन है, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, तो अगर एक्स वाई आ चुका है तो बचे नोडल प्लेन कौन से हो गए आपका, है ना, मतलब दो नोडल प्लेन होंगे, वो हैं आपका एक्स वाई अगर आ चुका है तो वाई जेड और एक्स जेड। बिल्कुल सिंपल है बेटा, याद तो रखना ही पड़ेगा, है ना, याद तो रखना ही पड़ेगा। कैसे, आप कुछ सोच लो बेटा, ये प्लेन कौन सा होगा, दिस इज वाई जेड, इसमें आपको कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है, और ये प्लेन कौन सा होगा बेटा, एक्स जेड, इसमें भी आपको कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ डी वाई जेड की बेटा, तो अब 3D ना बनाने के बजाय आप इसे y मान लो, इसे z, बस आप बोलो इनके बीच में, ठीक है जी। और इनका नोडल प्लेन अगर वाई जेड है तो नोडल प्लेन एक्स वाई होगा और एक्स जेड होगा, जो बच गया बस उसको नाम देते जाओ, है ना, d एक्स वाई वाई जेड, और एक छूट गया, एक नहीं बनाया गया इन्होंने, एक्स वाई वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ओके, तो एक अपन ही बना लेते बेटा, इन्होंने दिया नहीं है, डी एक्स जेड, वो मैं बना देता हूँ आपको। डी एक्स जेड कैसे होगा बेटा, ये एक्स एक्सिस बना दो, ये जेड बना दो और लोब्स को ऐसे बीच में, है ना। अब ये सब अभी याद ही रखना भैया, शेप वेप नोडल प्लेन, तो इनका नोडल प्लेन क्या हो गया बेटा, एक्स जेड आ चुका है तो बचा क्या, वाई जेड और एक्स जेड, ये आपके नोडल प्लेन होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इसमें क्या होगा, इसमें ये एक्सियल ऑर्बिटल्स है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, तो एक्सियल ऑर्बिटल से इसलिए ये अलोंग इस तरह से एक्सिस आएंगे, ठीक है ना, इस तरह से अलोंग दो लोब्स एक्स एक्सिस के अलोंग, दो वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, जिनकी लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस है बेटा, और एक्सियल का मतलब जिनकी अलोंग द एक्सिस है। और इनमें नोडल प्लेन क्या होंगे बच्चों, इनका नोडल प्लेन है बेटा एक ये 45 डिग्री एंगल वाला, ठीक है ना, और एक ही, मतलब हमें शब्दों में, क्योंकि हमसे डायग्राम तो नहीं पूछेगा, शब्दों में पूछेगा तो हम बोलेंगे टू प्लेन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टू प्लेन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये पूरा पूरा प्लेन बच्चों, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर की बात करोगे, सबसे यूनिक शेप इसी की है बेटा, इसमें मान लो ये जेड एक्सिस है, पहले भी बता चुका हूँ शायद फंडामेंटल में, ये डबल डम्बेल है ही नहीं बेटा, इसमें दो ही लोब हैं, ठीक है, और साथ में एक सर्कुलर रिंग होती है बेटा अलोंग एक्स वाई प्लेन, साथ में एक सर्कुलर रिंग होती है अलोंग एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और इसमें नोडल प्लेन नहीं होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है बेटा कि किस में नोडल प्लेन नहीं है, एस में कभी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, पी में तीनों में मिलेगा, पी एक्स पी वाई पी जेड में, डी में चार में मिलेगा, डी एक्स वाई में, डी वाई जेड में, डी एक्स जेड में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं मिलता है, ध्यान दें, ठीक है जी। विच आर द फॉलोइंग हैज नो नोडल प्लेन, मैंने क्वेश्चन ही दे दिया बेटा, 5s भी होगा, 4dz स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना, और 2dz स्क्वायर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लिख ही दिया उन्होंने, है ना, बहाने से दे सकता है बेटा, हम इसे टिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 में d होता ही नहीं, 2 में तो क्या क्या होता है बेटा, s और p होता है, तो क्वांटम नंबर के क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्वेश्चन इस तरह से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल, वॉट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल, डेफिनेशन लिखना जल्दी से बेटा। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल। जो पी के तीन ऑर्बिटल थे बेटा, पी एक्स पी वाई पी जेड, हम इन्हें सेम लेवल पर बनाई इसलिए रहे क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है। और डी के जो पाँच हैं बेटा,
1, 2, 3, 4, 5 इनकी भी पांचों की एनर्जी सेम है। एफ के जो सात होते हैं है ना, ये डब्बे गिन के बनाना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से देखो है ना, तो आपको ध्यान रखना है ठीक है। मैंने तो मनी मन गिन लिया था बट आपके लिए 6 बनाए बहाने थे। तो इन सब को हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा, इन सब की एनर्जी सेम है। सर इससे मीनिंग क्या है? इससे मीनिंग है बेटा, अगर मेरे पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन हो तो पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो एक हो तो मैं कहाँ डालूँ बेटा? मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, दिस इज़ करेक्ट। मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, ये भी करेक्ट है। मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा बट अभी हमें नाम पहले से पता हो। तो दिस ऑर्बिटल विच हैव इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है बेटा। सबशेल और नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स मैंने पहले ही बता दिया है, नोट्स तो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि एक प्रॉपर नोट्स बन जाए। एस सबशेल में आप डीजनरेट ऑर्बिटल बोलोगे ही नहीं, क्यों नहीं बोलोगे भैया, एक ही है ना। पी सबशेल में आप डीजनरेट ऑर्बिटल 3 बोलोगे, डी सबशेल में आप 5 बोलोगे बेटा, और एफ सबशेल में आप कितने बोलोगे? 7, ठीक है जी। चलिए पी सबशेल ये रहा बेटा, -1, 0, 1, अगर एन 2 है तो हम इसे 2p बोलेंगे बेटा। एक को हम 2px बोलेंगे, एक को हम 2py बोलेंगे, एक को हम 2pz, ठीक है जी। ठीक आ रही मेरी बात समझ है? यस और नो? अब ये n प्लस l की वैल्यू बोल रहा है बेटा ना, तो अगर आपने एक को -1 बोला है तो इन्होंने 3 लिख दिया है, ठीक है ना। एक को हमने n प्लस l की वैल्यू, अगर n 2 है ठीक है ना, तो एक को -1 लें बेटा, एक को 0 लें, एक को +1। तो n प्लस l की वैल्यू, जिसको -1 लोगे उसके लिए 1, जिसको 0 लोगे उसके लिए 2 और एक के लिए 3। थोड़ा सा मिस प्रिंट है। फाइंड द नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इन थर्ड शेयर, है ना। ये मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, ध्यान देना। हाइड्रोजन एटम के लिए सभी डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, 3sb 3pb 3db। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए बेटा हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा एटॉमिक का पार्ट है, ध्यान देना। सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों के लिए सबकी एनर्जी सेम हो जाती है, ठीक है। चलिए फाइनली लास्ट क्वांटम नंबर जल्दी से डिस्कस करें बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर है ना। इसका कॉन्सेप्ट गोल्ड स्पिन और उलेन बैक ने दिया था, ठीक है। उन्होंने बस इतना ही लॉजिक दिया था भैया, जैसे अर्थ है, इट इज़ नॉट रिवॉल्विंग ओनली अराउंड इट्स ओन एक्सिस बट इट इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द, मतलब इट इज़ नॉट रिवॉल्विंग ओनली अराउंड द सन बट इट इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, और वो क्लॉकवाइज भी कर सकता है बेटा, और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। इसलिए इसकी दो वैल्यू से बेटा +1/2 और -1/2, ये आर्बिट्रेली एज्यूम करी गई है, ठीक है जी। तो वॉज गिवन बाय उलेन बैक एंड गोल्ड स्मिथ, ठीक है। पहला पॉइंट, दिस साइंटिस्ट सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, दिस रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम स्पिन बोलते हैं, ठीक है जी। इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर बना है ना, घूमना अपनी एक्सिस करो ना। देयर कैन बी टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ दिस स्पिनिंग मोशन, क्लॉकवाइज हो सकता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, टू सिग्निफाई द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू स्पिन क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड, दिस टू स्पिन क्वांटम नंबर्स आर +1/2 एंड -1/2, इंडिपेंडेंट वैल्यू से आर्बिट्रेली एज्यूम करी गई है बच्चों, ठीक है ना। एक क्लॉकवाइज को, एक क्लॉकवाइज को, एक मतलब +1/2 -1/2। अब किसको +1/2 बोलें सर, किसको -1/2? किसी को भी बोल सकते हो बच्चों, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। किसी को भी हम +1/2 बोल सकते हैं, किसी को भी हम -1/2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसलिए मैंने लिखा है, देखो ना, ये रोटेशन है, आप इसे +1/2 भी बोल सकते हो। इसे प्लस बोला तो फिर अपोजिट वाले को माइनस बोलोगे, या इसे माइनस बोला तो इसे +1/2 बोलोगे, ठीक है जी। स्पिन अप, स्पिन डाउन, आधा आधा एरो भी बना सकते हो बेटा, पूरा पूरा एरो भी बना सकते हो। ये स्पिन अप है ऊपर की तरफ, है ना, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर ये इसे सही कर लेना, इसे हम स्पिन अप बोलते हैं बेटा, स्पिन डाउन। अब इनमें से भी किसी को भी +1/2 किसी को -1/2 बोल सकते हो, ये है पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूल फिक्स है, ठीक है जी। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। टोटल स्पिन निकलता है बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को हाफ से मल्टीप्लाई करके। टोटल स्पिन होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटू हाफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का हाफ है, इसका भी हाफ हुआ, इसका भी हाफ हुआ, तो 3/2 है ना। इन्होंने गलत लिख दिया, इट्स इट 3/2, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, एक का हाफ, अगर आपने इसे +1/2 दिया है तो मजबूरी में आप दूसरे को -1/2 ही दोगे, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करा, तो यहाँ पर टोटल स्पिन हाफ है। इसीलिए मैंने फॉर्मल लिखा है नंबर ऑफ, सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो गलत लिख दिया बेटा, बेटा यहाँ लिखना चाहिए था हमारा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन, ठीक है। मतलब आप खुद ही कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जिसका स्पिन अपोजिट हो बेटा, ठीक है ना। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब एक ही बचा केवल, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें देखो, इन दोनों ने तो कैंसिल कर दिया,
एक ऊपर है बेटा, एक नीचे है, ये भी कैंसिल हो गया, तो केवल दो बचे, तो 2 × 1/2, इसलिए हम बोलेंगे इसका टोटल स्पिन कितना है बेटा, 1। और अगर हमें टोटल स्पिन निकालना आ गया तो इससे हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे हमें नेक्स्ट सेशन में ज़रूरत पड़ेगी, वो निकलती है बेटा। उसको केवल हमें टोटल स्पिन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर देना है 1। ये भी फार्मूला है, ठीक है, जो मैंने बोला था ना फार्मूले एक जगह लिखते चलो, वो उसमें ये लिख देना। अब जैसे 3 है बेटा, तो इसका टोटल स्पिन कितना हुआ, 1/2 × 1/2 × 3/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 × 3/2 + 1, तो हम बोलेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 4। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई बेटा, 4, ठीक है जी। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने को बोलूँ, इन दोनों ने कैंसिल करा बेटा, बचा 1/2 × 2 = 1 + 1 = 2। ये निकालते आना चाहिए, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 पाँच बार है, 5/2, तो 2 × 5/2 = 5 + 1 = 6, है ना। आपको लिखना हो तो लिखते चलो बच्चों, 2 × 5/2 + 1, ये हो गई, ठीक है ना। अगले में इन दोनों ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया बेटा, कैंसिल आउट, 1 बचा, तो 2 × 1/2 + 1। ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में हमें आगे मिलने वाले, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑल्सो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, ठीक है ना। एवरी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट, आपको पता होगा ये भी, आपने 9th-10th में थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना लिखा हो, ज़्यादा से जानकारी, थोड़ी सी जानकारी दी गई होगी। एवरी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इनफैक्ट बोले हम लोग मूविंग चार्ज, उसका क्या होता है बेटा, एक वो टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है, एंड उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और उसे हम इस तरह से शो करते हैं बेटा, साउथ एरो वाली डायरेक्शन में नॉर्थ, ठीक है ना, तो ये एरो वाली डायरेक्शन में नॉर्थ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, इसमें हम नेक्स्ट सेशन से बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन बेटा थोड़ा लेंदी हो गया है, बट कोई बात नहीं, चारों क्वांटम नंबर में चाह रहा था कि एक बार ख़त्म हो जाए, तो एक रफ आपको आइडिया मतलब एग्जैक्ट आइडिया चारों क्वांटम नंबर्स का मिल गया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा बेटा, DPP 1 के फॉर्मेट में लगभग आपको, ठीक है ना, वो अटैच करवा दूंगा, तो आप उन्हें अटेम्प्ट करें, मैं वो डिस्कस करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो आई होप यू एंजॉयड टुडे सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।